कहिए कैसे हैं आप। कल शाम को जब मैं प्लांट्स को पानी दे रही थी तो घर के आगे से 4-5 बच्चे जा रहे थे, यूथ थे, शायद कॉलेज में पढ़ते थे, तो शायद वो किसी की वेट कर रहे थे, तो वो 2 मिनट रुक गए और हंस रहे थे। तो मेरा ध्यान भी चला गया कि ऐसे क्या बात है, किस पे हंस रहे हैं। तो वो बात कर रहे थे एक दूसरे से कि तेरे को पता है कि दुनिया की सबसे मोटी लड़की इंडिया आई हुई है और 500 किलो उसका वेट है और सर्जरी के लिए आई है और उसको क्रेन से उतारा गया और ट्रक से लेके आया गया। हंस रहे और कह रहे, तो एक ने बोला कि अच्छा भूकंप इसलिए आया है क्या, मैं तो समझा नेताओं की बात सुन के आया। और वो हाई फाइव करते हुए और ताली बजाते हुए, उनका शायद कोई पीछे से जिसकी वेट कर रहे थे वो आ गया और वो चले गए। और मैं ये सोच रही थी कि कैसी मानसिकता होती जा रही है हमारी, किस तरह से हंसना, मजाक उड़ाना, फब्दिया कसना, टिप्पणी करना, ये क्या माहौल होता जा रहा है देश का। मतलब देख के इतना दुख होता है। एक ये सोशल मीडिया और अब ये जैसे चुनावी मौसम है तो नेताओं के बयान, मतलब कुल मिला के देश का माहौल बिल्कुल खराब से खराब होता जा रहा है और दुख होता है देख के। सुन के खुशी नहीं होती कि भाई देखो हंस रहे हैं दूसरों के ऊपर, देख के दुख होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और ये बात सोचते हुए मुझे एक आर्टिकल याद आया, बहुत टाइम पहले मैंने पढ़ा था, एक लेख पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि मनुस्मृति में ये लिखा है कि 7 लोगों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और वो 7 लोग कौन कौन से हैं, एक तो कुरूप जिनकी शक्ल थोड़ी काली है या कुछ देखने में थोड़ा सा अलग से हैं, एक गरीब लोग, नीची जाति के लोग, और दिव्यांग, मतलब जो जिनका कोई ना कोई अंग नहीं है या जिनका कोई अंग एक्स्ट्रा है, मतलब जैसे किसी की 6 उंगलियां हो गई, मतलब कुछ ऐसा जिसको प्रकृति ने, नेचर ने कुछ ऐसा बनाया है, और बुजुर्ग आदमी, बूढ़े लोगों का, मतलब इन लोगों का लिखा हुआ था कि कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और इन लोगों की तो खैर बात ही अलग है, हम तो एक दूसरे के ऊपर ही बाज ही नहीं आते टोका टिकनी, मजाक करने में, हंसने में, नीचा दिखाने में, ना जाने हमें क्यों मजा आता है, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब किसी को हमारी कोई भी बात कहने से दूसरे को दुख पहुंचता है, उसको दर्द होता है, उसको दिल दुखता है उसका, तो हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए। बेस्ट ये है कि किसी को बात बोलने से पहले अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए कि अगर मेरे साथ ये बात होगी तो मेरा क्या रिएक्शन होगा। तो यकीनन आपको लगेगा दुख होगा तो आप शायद उस बात को नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए। देखिए हंसना मुस्कुराना सबसे अच्छी दवाई है हमारी सेहत के लिए, पर अगर हम बेवजह किसी के ऊपर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो हमें दवाई की यानी हमें इलाज की जरूरत है। जरूर सोचिएगा इस बारे में। मतलब हंसना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, पर दूसरों के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल भी रखिए, हंसिए, मुस्कुराइए, पर दूसरों के ऊपर नहीं। स्माइल रखिए और बी पॉजिटिव। बाय।